तो गाइस देखा आपने, हम बिना लोकेशन के भी पहुंच जाते हैं। हमको खाली इतना पता था कि ये रोड पे कहीं तो है, और हमने ढूंढ निकाला। ये रहा देखो पंडाल सामने। ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 8:15, एंड अभी मैं उठ चुका हूँ, एंड उठते ही इसका काम पे लग चुका हूँ मैं उठते ही। तो काम वगैरह खत्म करते हैं, क्योंकि कल रात को कुछ भी काम नहीं किया था, डेटा ट्रांसफर कुछ भी नहीं, टोटल कुछ भी काम नहीं किया था। फटाफट से करते हैं गाइस एडिटिंग खत्म, देन उसके बाद चलते हैं, नहाते धोते हैं, चाय नाश्ता वगैरह कुछ करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ओके तो गाइस अभी काम पूरा हुआ नहीं है, बट मैं लैपटॉप से उठ गया हूँ अभी, क्योंकि लैपटॉप में पता नहीं अभी ये ना क्या हो गया ना, एक सीन कि मैंने लैपटॉप में ना वो जो एप्लीकेशन में मैं एडिट करता हूँ, वो एप्लीकेशन में नया एक अपडेट आया था, तो मैंने उसको अपडेट कर दिया, क्योंकि अपडेट कर रहे बिना खुल नहीं रहा था वो एप्लीकेशन, तो मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है अपडेट कर दे, कर दिया अपडेट, तो अपडेट कर दे, तो अपडेट के बाद से ना क्या होता है ना, पता है कि उसको ना अगर बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलाना, अब मेरा एडिटिंग भाई 2 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे से 3 घंटा तो मैक्सिमम है, 3 घंटा के ऊपर लगता है, 3 घंटा से कम जल्दी मेरा एडिट होता नहीं है वीडियो, मतलब मेरे को टाइम लगता है करने के लिए। अब शायद मैं स्लो एडिट करता हूँ या मेरे को आता ना हो एडिट करना, उस वजह से शायद मेरे को 3 घंटा तो लग ही जाता है एडिटिंग करने के लिए। ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर एप्लीकेशन चालू होता है तो एप्लीकेशन काम ही करना बंद कर देता है, मतलब कर्सर पूरा हिलता है, खाली कैंसिल का बटन दबता है, बाकी एप्लीकेशन में कुछ भी दबता नहीं है। वीडियो एड करना है, मीम एड करना है, वीडियो क्रॉप करना है, साउंड डालना है, कुछ भी नहीं काम करता है। तो उसको बंद करना पड़ता है, लैपटॉप को बंद करना पड़ता है, लॉक करना पड़ता है, उसके बाद लैपटॉप चालू करो तब चालू होता है। अब फिलहाल सोच रहा हूँ जाके नहा के आऊँ, फिर उसके बाद करेंगे फिर से एडिट। वो एप्लीकेशन का ग्लिच है, एप्लीकेशन का ग्लिच है, मैकबुक का कोई सीन नहीं है वहाँ पे। ओके सो गाइस नहा धो के भी आ चुके हैं, अभी चलते हैं चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद बैठते हैं एडिटिंग पे, उसके बाद एडिटिंग वगैरह खत्म करके उसके बाद बताते हैं कि क्या सिनेरियो है आज का। तो गाइस नाश्ते के लिए बन रही है यहाँ पे चाय और यहाँ पे मैगी, तो आज चाय मैगी खाएंगे। 2000 years later. Okay, so guys, हमारे बिल्डिंग में पिछले एक आधा दो हफ्ते से एक बर्ड आता है, और ये जो नारियल का पेड़ दिख रहा है ये वाला, इसके इस पेड़ पे जाके बैठ जाता है ऊपर, और फिर वहाँ से चिल्लाता है, अभी भी चिल्ला रहा है, अभी चिल्ला नहीं रहा है, देखना अभी चिल्लाएगा तो आवाज आएगा। अरे को आया ना आवाज ऊपर, यहाँ से नहीं दिख रहा है जरा भी। मैं कोशिश करता हूँ, मैं थर्ड फ्लोर जाके आपको दिखाता हूँ ये बर्ड कौन सा है, तो आप लोग अगर आप लोगों को पता रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि ये बर्ड क्या है। आवाज़ कितनी खतरनाक है, इसकी आवाज़ सुन के पता नहीं क्या तो होता है दिमाग में, ऐसा कैसा आवाज़ आ रहा है ना, इतना अजीब सा, देखो कैसा आवाज़ करता है। ओके तो गाइस रहता तो इसी पे है, इसी पेड़ पे, बट अभी है नहीं, उड़ गया क्या, हम लोग ऊपर आए तब तक तो आवाज़ बंद हो गई उसकी, रहता यहीं पर है, पिछली बारी हमने यहीं से भगाया था उसको, यहाँ पे दो बैठे थे भाई बड़े बड़े, अभी नहीं है। ओके सो गाइस अभी निकले हैं शूट करने के लिए, अभी टाइम हो रहा है 7:30, कल के मुकाबले आज थोड़ा सा जल्दी निकले हैं। अच्छा मून देखो गाइस, यहाँ से शायद लाइट आ रही है तो उस वजह से नहीं दिख रहा रहेगा, बट देखो ये देखो खतरनाक एक्चुअली। हम लोग जहाँ जाने वाले शूट करने के लिए वो यहाँ से बहुत दूर है, और एक ही देवी माँ के दर्शन होंगे वहाँ पे हमको, एक ही पंडाल के दर्शन होंगे, 1.5-2 किलोमीटर चलना जाना रहेगा पैदल वन साइड। खैर कोई नहीं गाइस, देखते हैं चलते तो हैं, कहीं ना कहीं तो शूट करना ही आज, तो देखते हैं क्या है क्या नहीं। मुलुंड से भी बाहर जाने का था एक्चुअली शूट करने के लिए, बट सारा टाइम ऐसा लड़ रहा है ना बहुत गंदा, तो जा नहीं पा रहे हैं फिलहाल के लिए, देखते हैं यहीं पर कहीं पर जाते हैं, एंड आपको भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं कितना होता है आज। तो गाइस दक्ष बोलता है यहाँ पे एक देवी मिलेगी, तो कोई भागते भागते जा रहा है, बोलता है यहाँ पे एक देवी बैठी, देवी मिलेगी, आई माउली समथिंग कुछ बोला उसने, तो मैंने बोला ठीक है चल मैं फटाफट कैमरा निकालता हूँ शूट करने के लिए, तो बोलता है अरे नहीं रुक कंपलसरी नहीं है, मतलब उसको बोलने का था कि फिक्स नहीं है, बोलता है कंपलसरी नहीं है, रुक जा मेरे को देखने दे पहला, क्योंकि उसको पता है कि अगर नहीं मिला तो फिर उसकी बैंड बजेगी। क्या है कंपलसरी डेकोरेशन, तो यार डेकोरेशन तो आया हुआ यहाँ का है क्या यहाँ पे कुछ, ओ भाई साहब क्या डेकोरेशन, मंडप किधर है, देवी किधर है, डेकोरेशन देखो गाइस खाली।
ये देखो गाड़ी वाले, ये देखो वो रहा वहाँ का बॉर्डर, वहाँ का साइड वो रहा उधर उधर, और गाड़ी आ रही है इधर से यहाँ पे एकदम एंड में, ये वाले रोड के एकदम एंड पे वो रहा वहाँ पे उसका कटिंग, और यहाँ से आ रही है गाड़ी। बताओ अब कहाँ चले हम इसके ऊपर रोड ही यहाँ पे भाई एकदम एंड पे इधर लेके चल रहा है रॉन्ग साइड में, वो भी एकदम एंड पे। ओके तो गाइस यहाँ पे एक जगह हमको मिला एक पंडाल, और बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे कैसी मूर्ति है। मेरे हिसाब से छोटा ही होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बट फिर भी भाई छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता, वाइब मैटर करती है, तो देखते हैं क्या है और क्या नहीं। चलो ओके तो गाइस वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, वहाँ पे खाली गरबा था और मंदिर था, और मंदिर में तो मैं जा ही नहीं सकता, पंडाल वगैरह में ठीक है बट मंदिर वगैरह में तो जा ही नहीं सकता, तो वहाँ पे किए ही नहीं हमने शूट। अभी यहाँ पे आए, यहाँ पे है एक पंडाल, अभी यहाँ पे है शायद, क्या है यहाँ पे, गाइज यहाँ पे एक और पंडाल है। ये पंडाल तो बहुत ज़्यादा विशाल है, मतलब काफ़ी बड़ा पंडाल लग रहा है ये, तो इसमें तो भाई देखना बनता ही है, अगर यहाँ नहीं देखा तो भाई आज का दिन वेस्ट पूरा। तो यहाँ पे देखते क्या है, होप सो कि पंडाल तो बड़ा है बट देखते हैं, खैर कोई नहीं अभी देखिए पता चलेगा क्या है। चलो देखते हैं, हम भी दिखाते हैं, हम भी देखते हैं। भाई साहब यार डेकोरेशन बहुत खतरनाक किया है यार यहाँ पे, देखो यार कोई नहीं भाई एक्साइटेड, मैं ऐसा सबको देखता हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं। चलो देखते हैं अभी हम पहुंच गए हैं चलते चलते आर मॉल, ये रहा आर मॉल, आपने देखा रहेगा पहले भी हम यहाँ पे एक बार आ चुके हैं, तो हमको खबर मिली है घूमते घूमते कि यहाँ पे भी एक जगह है जहाँ पे देवी बैठी है, बट वो लोकेशन क्या है
लोकेशन नहीं पता, बट इतना पता है कि LBS है, ये वाला LBS रोड है, ये LBS रोड पे बैठती है कहीं तो है पंडाल, इधर है वो नहीं पता, नीचे देखना रही देख जाएगा, तो यहाँ पे कहीं पर है पंडाल, तो अभी वही ढूंढने के लिए निकले हैं। बस ये रोड पे पता चला कि LBS पे एक LBS की माता रानी बैठती है, अब किधर बैठती है वो नहीं पता, तो हम लोग ढूंढने निकले हैं यही रोड पे, अभी देखते हैं किधर है, क्या है क्या नहीं। इस साइड नहीं गए क्योंकि इस साइड है चेक नाका, इस साइड जाएंगे तो सीधा थाना पहुंच जाएंगे, तो इसी साइड है मुलुंड, तो इस साइड देखते हैं कहाँ पे क्या है क्या नहीं एंड बताते आपको। तो ये रहा गाइस बारहेश्वर, जय हो महाकाल महाराज की जय, और यहाँ से आवाज़ आ रही है यहाँ से कहीं से देखो। तो गाइस देखा आपने, हम बिना लोकेशन के भी पहुँच जाते हैं, हमको खाली इतना पता था कि ये रोड पे कहीं तो है, और हमने ढूंढ निकाला, ये रहा देखो पंडाल सामने, तो अभी देखते हैं आपको भी दिखाते हैं। निकल रहे हैं घर के लिए एंड घर पहुंचते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, और टाइम हो रहा है 9:15, घर पहुंचते पहुंचते होगा 9:30। ओके तो गाइस अभी आ गए हैं घर पे, अभी चलते हैं चेंज वेंज करते हैं, खाना वाना खाते हैं, इसमें अभी बहुत ज़्यादा इस कपड़े में बहुत ज़्यादा हीट हो रही है क्योंकि एकदम फिटिंग है ना, प्रॉपर फिटिंग है, थोड़ा सा लूज लूज सा कपड़ा पहना क्योंकि गर्मी भी लग रही है, फिर कोई नहीं चलते हैं चेंज करते हैं, खाना वाना खाते फिर मिलते हैं। ओके तो गाइस चेंज वेंज कर लिया है, खाना वाना वगैरह भी हो गया है, अभी थोड़ा टाइम यहाँ पे लेटा हूँ क्योंकि यहाँ पे एसी चालू है तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एंड कपड़ा चेंज करके तो भाई ऐसा लग रहा है कि अभी हाथ पैर आए हैं, हाथ तो ऐसा लग रहा था कि हाथ पैर ही नहीं है, किधर गई क्या करें, खैर कोई नहीं, जब तक एसी चालू है यहाँ पे लेटेंगे, चल जाएंगे अपने जगह पे, काम वगैरह करेंगे एंड एडिटिंग वगैरह चालू करेंगे, मिलेंगे आपसे अभी तो और लेट, अभी तो 12 बज रहे हैं, 13 बजे मिलेंगे वापस। ओके सो गाइस अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे एंड अभी जस्ट थोड़ा मोड़ा काम खत्म हुआ है, डेटा वगैरह ट्रांसफ़र किया एंड अभी जा रहा हूँ सोने के लिए, मैं अभी फिलहाल के लिए तो गाइस इस ब्लॉग में इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तक के लिए जय श्री राम। अभी तो फिलहाल तो खाली बाकी।